मारा, इतना मारा कि भारत से खदेड़ दिया और भारत से भगा करके अपने आप को विक्रमादित्य की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? विक्रमादित्य। आइए आज हम समझते हैं भारत में यवन राज्य और शक के बारे में। हमने भारत में यवन राज्य में जब हम लोगों ने जो पढ़ा था, मतलब कि हमने हिंद यूनानी के बारे में पढ़ लिया है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि भारत में आक्रमण करने वाले को एकदम सजाएं आप लोग, तो सबसे पहले हिंद यूनानी, उसके बाद शक, फिर पहलव, फिर कुषाण। सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है? कुषाण है। तो हम लोग ये तीनों के बारे में पढ़ने के बाद कहाँ आएंगे? कुषाण के बारे में। अगर हम लोग जाने शक के बारे में, यानी कि भारत में यवन राज्य जब हम लोग पढ़े थे, तो उसमें हम लोगों ने हिंद यूनानियों के बारे में पढ़ लिया था। किसके बारे में? तो हम लोगों ने उसमें हिंद यूनानी के बारे में पढ़ लिया था। वही हिंद यूनानी जिसको कि हम लोग ग्रीक यूनानी या फिर बैक्ट्रिया कहते हैं, ठीक। एंड इस वाले वीडियो में हम लोग शक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि दूसरा विदेशी आक्रमण भारत में हुआ, यानी कि शकों के द्वारा ही भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण किया गया था। अगर हम लोग बात करें कि शक का प्रथम राजा कौन सा था, तो शक का प्रथम राजा का नाम था मो। लेकिन ये कोई खास काम नहीं किया। जैसे होता है ना, भारत में एक राष्ट्रपति एक तरह यानी कि एक पीएम है, तो राष्ट्रपति केवल नाम का पदवी है, सब काम तो पीएम करता है ना, उसी तरह से केवल ये नाम का राजा था। सब काम किसके द्वारा हुआ शकों में? तो वह रुद्र दामन के हुआ। अगर हम जाने कि प्रसिद्ध शासक कौन सा था, तो रुद्र दामन। देखिए, शकों का प्रथम राजा है ये मो ना, और प्रसिद्ध शासक कौन सा था, तो रुद्र दामन। अब देखिए, अगर हम लोग जानेंगे कि भारत में एक प्रेसिडेंट है और एक पीएम है, ठीक, सबसे बड़ा सबसे सर्वोच्च पद भले ही ये वाला है, लेकिन सब काम करता ये है, तो फेमस ये भी होगा ना। मतलब कि सब काम करते पीएम है, तो पीएम ही तो फेमस होंगे ना। उसी प्रकार से ये जो केवल नाम का राजा था मो, लेकिन सब काम किसने किया था? मो ने, यानी कि रुद्र दामन ने किया था, तो रुद्र दामन ही तो फेमस होंगे ना। अब अगर हम लोग बात करें कि ये तो फेमस है, तो क्यों फेमस है, इसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा, कोई काम किए होंगे ये, तो इनके कामों के बारे में अगर हम लोग जानेंगे तब ना ये फेमस है। तो उसी प्रकार से जब ये फेमस है, तो ये क्यों फेमस है, हम लोग जानना पड़ेगा ना कि रुद्र दामन आखिर क्यों इतना प्रसिद्ध था शकों में। तो आइए समझते हैं। अगर हम लोग बात करें कि शक जो भारत में आए थे, यह किस तरह से आए थे, तो यह मध्य एशिया से आए थे। कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे, और यह चारागाह की खोज में आए थे। किसकी खोज में? यानी कि शक जो है वो भारत में चारागाह की खोज में आए थे। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है कि शक भारत में किसकी खोज में आए थे, वो चारागाह की खोज में आए थे। अगर हम लोग बात करें कि रुद्र दामन ने कौन कौन से कार्य किए, तो रुद्र दामन ने सबसे पहले जो मौर्य, यानी कि जो मौर्य साम्राज्य के द्वारा बनाया गया था सुदर्शन झील ना, उसका ये पुनर्निर्माण करवाया। कौन? रुद्र दामन। यानी कि सुदर्शन झील जो कि गुजरात में है, यानी कि सुदर्शन झील को पुनर्निर्माण कराया था किसने? रुद्र दामन ने, ठीक। और शकों ने पुनर्निर्माण कराने की क्रिया को क्या बोल दिया? तो जीर्णोद्वार बोल दिया। तो क्वेश्चन पूछता है कि सुदर्शन झील का ना जीर्णोद्वार किसने करवाया था? तो रुद्र दामन ने। कभी भी आप लोगों से क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया था, ये क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं आप लोगों से। क्या पूछेगा? सुदर्शन झील का जीर्णोद्वार किसने करवाया था? तो रुद्र दामन ने। और सुदर्शन झील है कहाँ? तो गुजरात में। सुदर्शन झील को किसने बनवाया था? तो मौर्य साम्राज्य के, मैंने मौर्य साम्राज्य में झील बनकर रेडी हुआ था। अब हम लोग जानेंगे कि रुद्र दामन ने क्या किया। तो यह संस्कृत का बहुत बड़ा यानी कि प्रेमी था, कह सकते हैं, यानी कि इसको संस्कृत से बहुत लगाव था। किसको? रुद्र दामन को। तो संस्कृत से लगाव था इसीलिए ना यह इसकी जो अभिलेख एक आई थी, जूनागढ़ अभिलेख, यह संस्कृत में ही आई थी। किसकी? रुद्र दामन की एक अभिलेख आई। अगर हम बात करें कि भारत की में, यानी कि भारत में पहली संस्कृत अभिलेख किसकी आई थी, तो वह रुद्र दामन की ही आई थी। किसकी आई थी? रुद्र दामन की ही आई थी। यानी कि पहला संस्कृत भाषा वाला अभिलेख रुद्र दामन की ही आई थी। और जूनागढ़ या फिर उसका कभी कभी देता है नाम गिरनार अभिलेख। और इस देखिए, गिरनार अभिलेख की जो भाषा थी वह प्राकृत भाषा थी।
तो ये तो इसकी है नहीं ना, तो जूनागढ़ और गिरनार अलग अलग हो गए। तो जूनागढ़ जो अभिलेख है वो संस्कृत में अभिलेख आई थी, किसके द्वारा आई थी, तो रुद्र दामन के द्वारा। ठीक, इतना आप लोग यहाँ से इसको ऐसे आप लोग याद कीजिएगा कि संस्कृत की पहली अभिलेख रुद्र दामन के द्वारा जूनागढ़ अभिलेख आई थी। ठीक, और गिरनार जो अभिलेख है या किस भाषा की अभिलेख है, तो प्राकृत भाषा का अभिलेख है। और शक जितने भी राजा थे, यानी कि शकों में जितने भी राजा हुए, वे अपने आप का बोलते थे छप्रत, यानी कि छत्रप बोलते थे, छत्रप, यानी कि शक जितने भी राजा थे, शक का मतलब डाउट नहीं है पे ना, समझेगा, शक जितने भी राजा थे वे सब अपने आप को छत्रप बोलते थे, क्या बोलते थे, छत्रप। अब यहाँ से होती है शकों की अंत, क्योंकि एक उज्जैन का ही एक स्थानीय राजा था और उसने शकों को इतना मारा कि भारत से खदेड़ दिया, और भारत से भगा करके अपने आप को विक्रमादित्य की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी, विक्रमादित्य की उपाधि दी, यानी कि उज्जैन का एक छोटा मोटा राजा होगा और शकों को वो इतना कस के मारा कि वो भारत से ही भाग गए, और भारत से भाग गए तो यह घटना कब की है, 58 BC की है, मतलब की 58 ईसा पूर्व की है। और विक्रमादित्य जो कि एक उज्जैन में का एक, देखिए विक्रमादित्य किसी राजा का नाम नहीं है, विक्रमा एक उज्जैन का कोई छोटा मोटा राजा होगा और वह शकों को इतना मारा कि वह जीत गया, शक हार गए, तो जीतने के बाद में अपने आप को विक्रमादित्य की उपाधि दी ना, तो विक्रमादित्य जो है वह शकों पर विजय प्राप्त कर लिया। यह घटना कब की है, 58 BC की है। और विजय प्राप्त करने के बाद उसने एक अपना जारी किया कैलेंडर, उसका नाम क्या था, विक्रम संवत, जो कि अभी के कैलेंडर यानी कि ग्रेगोरियन कैलेंडर से 58 BC पीछे है। किस कितने पीछे है, 58 BC पीछे है। ठीक, अब देखिए यहाँ से तो हो गई शक की समाप्ति, एंड जो अगला भारत में आए पहलव आए। पहलव जब भारत में आए थे तो इससे केवल एक ही क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से कि इसका राजा कौन था, यानी कि पहलव वंश का राजा कौन था, या फिर पार्थियाई, देखिए पहलव या फिर पार्थियाई एक ही का नाम है ना, पहलव कहिए या फिर पार्थियाई कहिए, तो ये दोनों एक ही का नाम है ना, यानी कि पहलव का राजा कौन सा था, तो गोंडो फिनिर्स ही पहलव वंश का राजा था। बस यहाँ से इतना ही क्वेश्चन पूछता है। अब हम लोग जानेंगे अगले वीडियो में कुषाण वंश के बारे में, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, और ये वंश इतना अच्छा अच्छा कार्य किया, और भले ही ये विदेशी थे लेकिन भारत में अच्छे अच्छे काम किए, तो इन्हीं के बारे में हम लोग जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।